हेलो दोस्तों, आज हम आपको बॉलीवुड के फेमस डायरेक्टर राइटर कुंदन शाह सर के डायरेक्टर और राइटर कैरियर के बारे में बताएंगे। कुंदन शाह ने 1983 में आई मूवी जाने भी तो यारों से अपने डायरेक्टर कैरियर की शुरुआत की थी। इस मूवी के लीड कास्ट में नसरुद्दीन शाह, सतीश शाह, ओम पुरी और प्रकाश कपूर शामिल थे और कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी हिट रही। 1985 में विद्या विनोद चोपड़ा की मूवी आई खामोश, इस मूवी के राइटर थे कुंदन शाह। इस मूवी के लीड कास्ट में अमोल पालीकर, सवाना आजमी, नसरुद्दीन शाह और पंकज कपूर शामिल थे और कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी फ्लॉप रही। 1994 में कुंदन शाह की मूवी आई कभी हाँ कभी ना, इस मूवी के लीड कास्ट में शाहरुख खान, दीपक तिजोरी और नसरुद्दीन शाह शामिल थे। इस मूवी का बजट 1,40,00,000 रहा। भारत में कमाई 3,88,00,000 हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 5,67,00,000 कमाई। इसके साथ यह मूवी सेमिट रही। सन 2000 में कुंदन शाह की मूवी आई क्या कहना, इस मूवी के लीड कास्ट में प्रीति जिंटा, सैफ अली खान, अनुपम खेर और फरीदा जलाल शामिल थे। इस मूवी का बजट 4 करोड़ रहा। भारत में कमाई 12,17,00,000 हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 18,60,00,000 कमाई। इसके साथ यह मूवी सुपरहिट रही। इसी साल कुंदन शाह की एक और मूवी आई हम तो मोहब्बत करेंगे। इस मूवी के लीड कास्ट में बॉबी देओल, करिश्मा कपूर और जॉनी लीवर शामिल थे। इस मूवी का बजट 7,50,00,000 रहा। भारत में कमाई 5 करोड़ हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 8,47,00,000 कमाई। इसके साथ यह मूवी फ्लॉप रही। 2002 में कुंदन शाह की मूवी आई दिल है तुम्हारा, इस मूवी के लीड कास्ट में रेखा, प्रीति जिंटा, महिमा चौधरी, रिमी शेरगिल और अर्जुन रापल शामिल थे। इस मूवी का बजट 7,25,00,000 रहा। भारत में कमाई 8,69,00,000 हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 15,96,00,000 कमाई। इसके साथ यह मूवी फ्लॉप रही। 2004 में कुंदन शाह की मूवी आई एक से बढ़कर एक, इस मूवी के लीड कास्ट में सुनील शेट्टी, रवीना टंडन, शेखर, सुमन और ईशा शामिल थे। इस मूवी का बजट 6,50,00,000 रहा। भारत में कमाई 2,11,00,000 हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 3,11,00,000 कमाए। इसके साथ यह मूवी डिजास्टर रही। 2015 में कुंदन शाह की मूवी आई पी से पीएम तक, इस मूवी के लीड कास्ट में मीनाक्षी दीक्षित, इंद्रजीत सोनी, भारत यादव और यशपाल शर्मा शामिल थे और कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी डिजास्टर रही। और यही अब तक की कुंदन शाह सर की रिलीज होने वाली आखिरी मूवी साबित हुई है। दोस्तों, आज हमने आपको बॉलीवुड के फेमस डायरेक्टर कुंदन शाह सर के डायरेक्टर और राइटर कैरियर के बारे में बताया है। दोस्तों, आपको कुंदन शाह सर का डायरेक्टर और राइटर कैरियर कैसा लगा और आने वाली वीडियो किस डायरेक्टर या प्रोड्यूसर पर चाहिए कमेंट में बताएं। साथ में हमारे चैनल ऑल मूवी कलेक्शन को सब्सक्राइब करें प्लीज़। दोस्तों, थैंक यू।